स्वागत है आपका एबीपी गंगा, देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। देश में प्रवासियों पर सियासत लगातार जारी है। सियासतदानों के लिए श्रमिक वो हथियार बन चुके हैं जिनके बूते इन दिनों अपनी सियासत लोग चमका रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो। सभी इन मजबूर मजदूरों को आधार बनाकर राजनीति कर रहे हैं। ऐसी ही एक सियासत यूपी और महाराष्ट्र सरकार के बीच भी चल रही है। एक और यूपी सरकार ने श्रमिकों को अब दूसरे राज्यों में ले जाने के लिए यूपी सरकार से परमिशन लेने की बात कही, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की दूसरी बड़ी पार्टी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी यूपी सरकार पर पलटवार करते हुए कह दिया कि महाराष्ट्र में किसी भी श्रमिक के आने पर उसे परमिशन लेनी होगी और थाने में उसका रिकॉर्ड नोट किया जाएगा, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया। इस बीच यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू की हिरासत को लेकर भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हमलावर है। वो कह रही हैं कि जब तक अजय लल्लू को न्याय नहीं मिलेगा तब तक यूपी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपना ये संघर्ष जारी रखेगा। राजनीति का समय नहीं है, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। इन बसों में 98 ऐसे सूची में बद्ध हैं जो ट्रिवलर है, कार है, एम्बुलेंस है, उनकी सूची बेची। इनमें से 68 ऐसे हैं जिनके कागज ही नहीं है। बिना कागज के वाहन कैसे हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं भली बात। और इस पर बातचीत के लिए इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया जी। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद आपका। अशोक जी, मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इस वक्त दो मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और दूसरा परिवहन मंत्रालय, दोनों इस वक्त सेंटर स्टेज पर है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, क्योंकि प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जो लगातार जारी है, लाखों की तादाद में दावा किया जा रहा है कि वो लौट चुके हैं, लौट भी रहे हैं, लेकिन अब वापस उन्हें काम के लिए जाना है तो प्रदेश सरकार से परमिशन लेनी होगी। तो आखिर यूपी और महाराष्ट्र सरकार के बीच में प्रवासियों को लेकर ये जो राजनीति चल रही है, ये किस दिशा में जा रही है सर? क्या इससे मजदूरों का भला होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो श्रमिक आयोग बनाने की बात की है और वो आयोग श्रमिकों का संरक्षण करेगा, उनके हितों को संरक्षित करेगा और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को काम देगा और उनके बारे में एक बड़ी रूपरेखा तैयार करेगा। ठीक है, और तो यानी उन्होंने रोजगार देने के लिए आपने खाका खींचा है माइग्रेंट कमीशन के तौर पर। जी जी, मतलब रोजगार देने के लिए, बंदोबस्त करने के लिए आपने एक बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण किया, वो है माइग्रेंट कमीशन। लेकिन विपक्षी पार्टियां, मैं कोट कर देती हूँ, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का एक ट्वीट था, उन्होंने कहा कि पहले से जब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या श्रमिक आयोग बना हुआ है तो अब अलग से इस माइग्रेंट कमीशन की क्या जरूरत है, नाम बदलकर आप क्या अलग करने जा रहे हैं? देखिए, इसलिए जरूरत है इस दौर में क्योंकि जिस तरीके से नई परिस्थितियां निर्माण हुई हैं, श्रमिकों के सामने, प्रवासी बंधुओं के सामने जो दिक्कतें सामने आई हैं, उन दिक्कतों को देखते हुए इस नवीनता की आवश्यकता है। और आप और हम, सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि सारे हिंदुस्तान में सर्वाधिक प्रवासी श्रमिक अगर कहीं पाए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं या फिर बिहार में हैं, और वो महाराष्ट्र के अंदर अन्य राज्यों में किस तरीके से परेशानी महसूस कर रहे हैं, आखिरकार उनके हितों का संरक्षण वहाँ की सरकारें नहीं कर पा रही हैं, उनको जो सुरक्षा का वादा करना चाहिए था वहाँ की राज्य सरकारों को, वो सुरक्षा का वादा नहीं दे पा रही हैं, भरण पोषण का जो वादा करना चाहिए था वो नहीं दे पा रही हैं, और हम आपका हित संरक्षण करेंगे ऐसा जो एक संकल्प सरकार की ओर से मजदूरों के सामने रखा जाता है, वो संकल्प का अभाव है, विश्वास का अभाव है, भरोसे का अभाव है, इसलिए मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर है। जी, माननीय योगी जी ने इसी कारण उन मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए इस आयोग को सामने लाने की कोशिश की है और इस आयोग का गठन करने की बात की है।
अशोक जी, अब इस समस्या की थोड़ी सी जड़ में पहुंच जाते हैं। आपने कहा कि हजारों किलोमीटर दूर ये मजदूर बेचारे पैदल चलकर अपने राज्यों को लौटे हैं, सब कुछ खोकर आए हैं, इनके हाथ इस वक्त खाली हैं। जिस राज्य में काम करने गए थे वो काम बचा नहीं, उल्टा जैसे तैसे लद कर, कहीं एक्सीडेंट करके, कहीं पैदल खिचड़ते हुए ये उत्तर प्रदेश तक पहुंचे हैं। ऐसे में इन मजदूरों को लेकर कोई राजनीति ना हो, इनको हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए, इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां दावा तो करती हैं, हम एक है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो क्यों नहीं ली आपने बसों की मदद कांग्रेस से? सर देखिए आस्था जी, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 12,000 तो हमारी अपनी बसें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200-200 बसें प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को वहाँ मजदूरों को लाने के लिए लगाई हुई हैं। ऐसी एक बड़ी संख्या, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का बहुत बड़ा राज्य है और संख्या की दृष्टि से भी और संसाधनों की दृष्टि से भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार ये मजदूरों को, कामगारों को उत्तर प्रदेश में बुलाकर उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया है। और हमारे मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं, आज सारे देश में, उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, आज सारे देश में कहीं आप नागरिकों से सर्वे कर लीजिए, वो लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना पीरियड में सबसे ज़्यादा काम करते हुए आपको नजर आएंगे। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में लगभग मैं कहता हूं कि 19.5 लाख के करीब तो हमारी बसों से आवागमन हुआ है मजदूरों का, और उसके बाद लगभग टोटल 27 लाख से ऊपर श्रमिक हमारे उत्तर प्रदेश में आए हैं, जो ट्रेनों से भी आए हैं, अन्य साधनों से आए हैं। 27 लाख से ऊपर श्रमिक उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। ये सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता थी, उनकी कार्यकुशलता, उनका योगदान और उनकी जो मजदूरों के प्रति एक सहानुभूति है, उसके परिणाम स्वरूप संभव हो सका है। अशोक जी, कुछ बातों का जो आपने जिक्र किया उन्हीं को ही मैं आगे बढ़ा देती हूँ। हालांकि इस चीज को हर कोई एक्नॉलेज कर रहा है कि सबसे ज्यादा जो श्रमिक ट्रेनें हैं वो उत्तर प्रदेश से ही होकर जा रही हैं, और सबसे पहले जो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मजदूरों का जमावड़ा लगा था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने पहल की थी उनको उनके गंतव्यों तक पहुंचाने की जो कोशिश थी वो भी हमने देखी। लेकिन करोड़ों की संख्या है उन मजदूरों की जो अलग अलग स्टेट्स में जाकर काम करते हैं। आप बता रहे हैं कि 20 लाख से ज्यादा अभी तक वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी आने का सिलसिला रुका नहीं है, वो जारी है। तो क्या इतने बड़े पैमाने पर सरकार तैयार है उनका बंदोबस्त करने में, यहां लाकर उनको क्वारंटीन करना, उनकी स्क्रीनिंग, कोविड का ये टाइम है, तो क्या उस लिहाज से यहां पर व्यवस्थाएं तैयार हैं? हाँ, निश्चित रूप से यहाँ उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था की है, जो भी बाहर से हमारे कामगार और मजदूर आएंगे उनको गांव के अंदर ही क्वारंटाइन, या तो प्राइमरी विद्यालय में या अलग से कोई सामाजिक सरकारी संस्थान होगा उसमें क्वारंटाइन किया जाएगा 14 दिन के लिए। ऐसा केवल उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप अगर देखेंगी तो ये दिल्ली में नहीं हो रहा है, ये बिहार में नहीं हो रहा, बाकी जगह नहीं हो रहा है, ये केवल उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उनके जान की चिंता, उनके स्वास्थ्य की चिंता उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल कुशलतापूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हो रही है, और 27 लाख से अधिक कामगार और मजदूर उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि एक भी कामगार और मजदूर अगर बॉर्डर पे आएगा उसको वहां से लिया जाएगा और उसको उसके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि कोई भी कामगार किसी भी राज्य का वह असेट होता है, वह उस राज्य का मानव संसाधन होता है, वह उस राज्य की पूंजी होता है, और निश्चित रूप से हमें अपने राज्य के कामगारों के प्रति न केवल सहानुभूति रखनी चाहिए, उनके प्रति समर्पित होना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। वही हैं जो अपने पसीने से परिणाम लाते हैं, वही हैं जो इतिहास बनाते हैं, वही हैं जो बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं, और वही हैं जो दुनिया का पेट भरने के लिए अन्न उगाते हैं। ये हमारे किसानों के साथ मिलकर खेतों में काम करते हैं और व्यापारी व्यवसायी। अशोक जी, आप बेशक समर्पण की बात कर रहे हैं, सब जानते हैं, पूरा देश इस बात को मानता है कि सबसे कामगार जो तबका है उसको हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए, उसे कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, और आप बता रहे हैं कि राज्य सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है, लेकिन सर उन मजदूरों का क्या जो स्टेट्स के विवाद में, मतलब राज्यों में ठीक तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक राज्य ने उनको बस में भरा और लाकर बॉर्डर पर छोड़ दिया,
हमने देखा कि यूपी बॉर्डर या यूपी एमपी बॉर्डर पर भी ऐसे मजदूरों का जमावड़ा लगा हुआ है कि सरकारें जो हैं उनको लाकर बॉर्डर पर छोड़कर अपनी जिम्मेदारी वहां तक निभाकर वहां से लौट जाती हैं, या कह लीजिए अपना पल्ला झाड़ के लौट जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए यह भी बड़ी चुनौती है क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर बॉर्डर्स पर भी हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है। देखिए आस्था जी, मैं निश्चित रूप से ऐसे राज्यों को, जिन राज्यों से मजदूरों को, कामगारों को बसों में भरकर या ट्रकों में भरकर बॉर्डर पर छोड़ा जाता है, मैं ऐसे राज्यों को कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं कि उन्हें शर्मानी चाहिए और उनके राज्य के मजदूर उनकी पूंजी हैं, उनके राज्य के मजदूर उनके कारखाने चलाते हैं, उनके राज्य के मजदूर चाहे वो बिहार के रहने वाले हों चाहे यूपी के रहने वाले हों, अगर वो महाराष्ट्र में जाकर रात दिन परिश्रम करते हैं तो निश्चित रूप से उनको सम्मान पूर्वक लाना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि उन सरकारों को बॉर्डर पे केवल न छोड़ के ये व्यवस्था करके, समन्वय करके उनके आगे तक पहुँचाना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि अगर वो हमारे बॉर्डर पर भी छोड़ के जाएंगे तो हमने तय किया है, हमारी सरकार ने, योगी सरकार ने तय किया है कि अगर कोई हमारे बॉर्डर पे छोड़ के जाएगा, चाहे वो आगरा झांसी बॉर्डर हो, चाहे वो मथुरा बॉर्डर हो, चाहे वो गाजियाबाद एनसीआर बॉर्डर हो, जो भी कोई छोड़ के जाएंगे, हम अपने कामगारों को सह प्रेम, सह सम्मान और सह स्नेह हम उनका, माननीय योगी सरकार का निर्देश है कि उनको उन, तो जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है मैं रिपीट कर देती हूँ अशोक जी, सम्मान, प्रेम और पूरी जिम्मेदारी के साथ। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो राज्य है वो समन्वय स्थापित करें, वो कोऑर्डिनेशन स्थापित करें ताकि इन मजदूरों को दिक्कतें ना आए और ना सिर्फ मजदूर अपने गंतव्य तक पहुंचे बल्कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की आस लिए बहुत सारे नॉर्मल सिविलियंस भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इनका मामला निपटे तो कम से कम इंटर स्टेट कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की तो खबर आए। तो उस दिशा में भी सरकारें अब आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। एक छोटे से ब्रेक का यहां वक्त है, आप बने रहिए बीपी गंगा के साथ। ये राजनीति का समय नहीं है, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। इन बसों में 98 ऐसे सूची में बद्ध हैं जो ट्रिवलर हैं, कार हैं, एम्बुलेंस हैं, उनकी सूची बद्ध है। इनमें से 68 ऐसे हैं जिनके कागज ही नहीं, बिना कागज के वाहन कैसे हो सकते हैं आप समझ सकते हैं भली बात। We'll be right back.